हाय गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। आज के सेशन में हम देखेंगे कैसे हम गूगल डॉक्स को यूज कर पाते हैं माई ड्राइव के अंदर। सो माई ड्राइव में लॉग इन करके गाइस हम प्लस न्यू बटन से एक नया गूगल डॉक डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं, बना सकते हैं। सो यहाँ से हम एक्सेस कर लेते हैं गूगल डॉक्स को और इस पे अब हम काम कर पाते हैं, अब पूरा डॉक्यूमेंट लिख पाते हैं। यहाँ पे इस तरीके से हम डॉक्यूमेंट पूरा लिख के फिर इसको हम ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है माई ड्राइव के अंदर और फिर इसको हम शेयर कर पाते हैं दूसरे लोगों के साथ। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट को एक नाम दे देते हैं इस तरीके से, और डॉक्यूमेंट को नाम देने के बाद हम इसे शेयर कर पाते हैं दूसरे लोगों के साथ, या फिर हम इसे ऑटोमेटिकली बस बाय डिफॉल्ट अपने ड्राइव पे सेव करके रख सकते हैं और इसको हम बाद में एक्सेस कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं जब हमें इसकी जरूरत पड़ती है। सो शेयर करने के लिए हम यहाँ से इसको शेयर भी कर पाते हैं। तो सबसे पहले है जनरल एक्सेस, जिसके अंदर हम चाहें तो स्पेसिफिक लोगों को ये शेयर कर सकते हैं, उनका ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल के हम उनको एक्सेस लेवल्स डिसाइड कर सकते हैं। हम उन्हें एडिटिंग एक्सेस देना चाहते हैं, जिसका मतलब वो इन डॉक्यूमेंट्स पे चेंजेस कर पाएंगे, या कमेंटर एक्सेस, ताकि वो कमेंट कर पाए डॉक्यूमेंट के ऊपर और हम उसके हिसाब से इसमें चेंजेस करें, या फिर व्यूअर एक्सेस दे सकते हैं जहां पे वो सिर्फ डॉक्यूमेंट को व्यू कर पाएंगे। सो अलग अलग लेवल्स हैं एक्सेस देने के जो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो हम चाहें तो इसे एनीवन विद द लिंक ऑप्शन को भी चूज कर सकते हैं, ये करने से कि डॉक्यूमेंट कोई भी ओपन कर पाएगा, व्यू कर पाएगा। सो जो कि इंटरनेट पे है उसमें भी हम ऑप्शंस चूज कर सकते हैं कि हम सिर्फ व्यू और एक्सेस देना चाहते हैं, या एडिटिंग एक्सेस देना चाहते हैं, या कमेंटर एक्सेस देना चाहते हैं। सो अपने काम के हिसाब से हम एक्सेस लेवल यहाँ से सिलेक्ट करके हम उसे ओपन रख सकते हैं और कोई भी इस लिंक को एक्सेस कर पाता है इंटरनेट के ऊपर। सो ये सारे ऑप्शंस होते हैं शेयरिंग के, जो हम यहाँ पे सेट करके इसको शेयर कर सकते हैं दूसरे लोगों के साथ। डॉक्यूमेंट यूज करने के बाद जब हमें बाद में इसे रिट्रीव करना होता है तो हम सर्च इन ड्राइव में आके डॉक्यूमेंट के नाम से यहाँ पे सर्च कर पाते हैं। इस तरीके से हम सर्च कर लेते हैं तो हमें वही डॉक्यूमेंट वापस रिट्रीव हो जाता है। तो इस तरह गाइस हम गूगल डॉक्स को यूज कर पाते हैं, जहाँ पे हम नए डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं माई ड्राइव के अंदर, उसे अपलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और बाद में उसे अपने हिसाब से एक्सेस कर पाते हैं जब हमें उसकी जरूरत पड़ती है। आई होप दिस मेक सेंस, सबको समझ में आया गूगल डॉक्स का यूज क्या होता है, कैसे उसे यूज करना है माई ड्राइव में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग इन टू दिस सेशन टुडे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।